Good morning, students. Yesterday, in the chapter Gopal and the Hilsa Fish, we talked about the popularity of Hilsa Fish, the gossips of the people, how they were talking about the Hilsa Fish continuously, and the challenge which Gopal got that the king gave to him, that he had to stop the people to talk about the Hilsa Fish. So today, we are going to read that how Gopal will fulfill his challenge. Would he win? Or he would lose. So let's check it out. So after a few days, he just started a stupid thing. He was doing a stupid thing. वो stupid चीज़ क्या थी? That he was shaving half of his beard. मतलब आधी दाढ़ी को तो shave किया उसने और आधी को as it is रखा. तो his wife said, why you are doing such a stupid thing? तो गोपाल ने कहा, oh lady, I am going to purchase the Hilsa fish. That's why I am doing this thing. तो उसके समझ नहीं आती उसकी wife के तो ये चीज़ की भाई ये क्या logic हुआ? तो उसके बाद क्या होता है आफ्टर फ्यू डेज सेकंड स्टूपिड थिंग ही स्टार्टेड दैट ही वाज रबिंग द एश ऑन हिज फेस एंड बॉडी. एश क्या होती है? बर्निंग. जब व्हेन वी बर्न अ सब्सटेंस देन द पाउडर रेसिड्यू लेफ्ट इज कॉल्ड द एश, मींस राख जिसको बोलते हैं. हम तो राख को क्या करता था अपने चेहरे पे और बॉडी पे, वो पोत रहा था बहुत बुरी तरीके से. तो इट वाज ऑब्वियसली अ स्टूपिड थिंग. अगेन हिज वाइफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड हिज आंसर वाज आल्सो द सेम. फ्यू डेज लेटर ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप इन रैग्स. रैग्स क्या होते हैं? फटे पुराने कपड़े होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स. स्नियरिंग मींस चेहरे को किसी चीज से केयरलेसली मैसिवली पोत लेना, जैसे कि वो एश से कर रहा था स्नियरिंग एश. आफ्टर दैट रैग्स. रैग्स क्या होती है? बिल्कुल फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, मतलब चिथड़े टाइप जो होते हैं. तो उस तरीके के कपड़ों में उसने अपने आप को ड्रेसअप किया था. तो अगेन हिज वाइफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड हिज आंसर वाज द सेम. दिस टाइम ही गॉट इरिटेटेड, अ लिटिल बिट इरिटेटेड ही वाज एंड ही सेड, ओ वुमन, डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन? डोंट यू नो दैट आई एम गोना परचेस द Hilsa Fish? मैं Hilsa Fish को परचेस करने जा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. तो इतना कह के वो चला जाता है, ही जस्ट वेंट अवे. तो उसकी वाइफ पीछे से कहती है, दिस मैन हैज गॉन मैड, बिल्कुल पागल हो गया ये आदमी. तो उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में जब वो जा रहा होता है Hilsa Fish को परचेज करने के लिए मार्केट में, तो जो भी लोग होते हैं सब उसी को नोटिस करते हैं. ऑब्वियसली इतना फनी लुक था उस, इतना कॉमिकल लुक था उसका, तो सब उसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. सबकी अटेंशन सिर्फ उसकी तरफ, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई वो Hilsa Fish को परचेज कर रहे हैं, जो कि सबका करंट टॉपिक था, गॉसिप का मेन टॉपिक था. लेकिन जब वो मार्केट में गया तो गॉसिप का मेन टॉपिक सिर्फ वो था. कुछ लोग उसको कॉमिकल कह रहे थे, कुछ लोग उसको मिस्टिक कह रहे थे. मिस्टिक होता है रहस्यवादी इंसान, तो लोग इस तरीके के कमेंट्स उस पे पास कर रहे थे और किसी का ध्यान नहीं गया. तो ऐसा करते हुए वो किंग के पैलेस पे पहुंच जाता है Hilsa Fish को लेके. जब वो जाता है तो ऑब्वियसली इतने स्टूपिड पर्सन को तो पैलेस में तो एंट्री मिल नहीं सकती. तो जो गार्ड्स होते हैं वो उसको रोक देते हैं और बोलते हैं, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू कैन नॉट एंटर इनटू द पैलेस. तो लेकिन वो इंसिस्ट करता है दैट आई वांट टू मीट द किंग एंड आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम हियर, आई विल श्योरली एंटर इनटू द पैलेस. तो वो उनके बीच में ऐसे ही जो आर्ग्यूमेंट होता है वो किंग सुनता होता है अंदर. वो कहता है ओनली मेट वंस, आई डोंट वांट टू मीट सच काइंड ऑफ पर्सन. तो लेकिन फिर क्या करता है वो, और भी ज्यादा ड्रामा वहां पे क्रिएट करता है. मतलब जोर जोर से शाउटिंग डांस वगैरह करने लग जाता है वहां पे. सो दिस काइंड ऑफ ड्रामा वाज नॉट टॉलरेटेड बाय द किंग एंड ही जस्ट ब्रिंग हिम इनसाइड, उसको अंदर ले जाया जाता है. तो सब उसको देखते हैं, ऑल द कोर्टियर्स एंड द किंग, और उसको रिकग्नाइज भी कर लेते हैं दैट ही इज गोपाल. तो कुछ लोग कहते हैं बट अ स्टूपिड आइडिया बिहाइंड दिस, जो उसके वॉरियर वगैरह होते हैं उसके बारे में ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि वॉरियर तो सब वही बात है ना, सारे नेगेटिव कमेंट ही पास करते हैं हमेशा. किंग क्या कहता है? ओ गोपाल, इट्स यू, व्हाई यू हैव ड्रेस्ड योरसेल्फ इन सच अ स्टूपिड वे? तो वो कहता है, डोंट लुक एट दिस किंग, जस्ट टेक योर Hilsa Fish, एज आई प्रोमिस आई हैव फुलफिल माई चैलेंज एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन द वे टॉक्ड अबाउट द Hilsa Fish. ऑल वर वंडरिंग अबाउट माई लुक एंड ऑल वर टॉकिंग अबाउट मी ओनली. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना चैलेंज भी फुलफिल कर दिया. तो इतना सुन के जो किंग है वो उसकी हंसी भी रोक पाता है, जोर जोर से वह हंसने लग जाता है और बोलता है, ओ गोपाल, अगेन यू हैव फुलफिल्ड योर चैलेंज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. तो इस तरीके से उसे भी प्राउड फील होता है कि भाई उसके जो पैलेस में इतने अच्छे अच्छे वाइस कोर्टियर है. सो हियर वी गो टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. नंबर वन,
Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? तो जैसा कि मैंने बताया था, king felt irritated. Irritated हो गया था सब Hilsa fish के बारे में gossip करे जा रहे थे. So he just wanted to stop this irritating thing. That's why he want no more talk about the Hilsa fish. What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? Second question क्या है कि Gopal ने जो Gopal है उसको king ने क्या चैलेंज दिया था. मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट वाज द चैलेंज फॉर गोपाल फ्रॉम द किंग. एंड ये भी हो सकता है कि किंग ने उसको क्या बोला कि मैं ये प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई तुम क्लेवर हो. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दोनों का आंसर सेम होगा. दैट ही आस्क्ड हिम दैट यू हैव टू स्टॉप पीपल टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. ओके, दिस वॉज द चैलेंज ऑल्सो एंड दिस वॉज द थिंग ऑल्सो दैट द किंग आस्क्ड गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर. नंबर थ्री, what three things did Gopal do before he went to buy Hilsa fish? So stupid things we can write in the form of points. Number one, he shaved half of his beard. Number two, he rubbed rag on his face and body. And number three, he dressed himself up in the rags. Fourth question, how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? मतलब गोपाल को अंदर एंट्री कैसे की जाती है जब वो हिल्सा फिश लेके आया था, क्योंकि गार्ड्स तो उसको रोक रहे होते हैं. So we can say he created a drama by his shouting and dancing and he got himself entered into the palace. Last question, explained by no one seemed to be interested in the talking about Hilsa fish that Gopal had. ठीक है, हमें ये बताना है कि भाई गोपाल ने हिल्सा फिश परचेज की थी लेकिन किसी ने भी उसके बारे में बात नहीं की. ऐसा क्यों था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हेन पीपल सी एनीथिंग देन दे पे अटेंशन टू दैट थिंग ओनली विच इज मोर अट्रैक्टिव और मोर डिफरेंट. तो ज्यादा डिफरेंट जो चीज होती है उसके बारे में लोग अटेंशन देते हैं, उसके लिए अटेंशन देते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं. सो हियर वी कैन से Gopal was more attractive or more different than the Hilsa fish, and moreover he was a current topic of for gossip. That's why they just talk about the Gopal only, not the Hilsa fish.